कितनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये सफाई नहीं, बहाना है। कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। बहुत बधाई और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाने के लिए। दूसरी तरफ ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। We'll be right back.